So this is the vehicle which I am going to take a test ride right now. आपका ग्राजिया है ये. इसमें भी एक चीज़ है आपको दिखा देता हूँ, वह आपके इस साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ है. मैं दिखाता हूँ आपको वो बॉक्स. अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वही सेम, इसके अंदर आप फ़ोन चार्जिंग में रख सकते हैं. रेस्ट सब कुछ सेम है, पीछे का बॉक्स छोटा है. सो व्हाट्स अप पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल अकू व्लॉग्स. होप यू गाइज आर डूइंग गुड. अपना भी सही चल रहा है. वेरी गुड मॉर्निंग. मैं अभी टेस्ट राइड ले रहा हूँ आपका ग्रेजिया का. मेरे को चेक करना था कैसी है व्हीकल. सेकेंड मोपेड पे आया हूँ अभी. लेट्स सी ये मोपेड कैसा है. इतने ट्रैफिक है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से चलाऊँ. अगर रास्ता मिले मेरे को ढंग का तो मैं एक बार चला के आ सकता हूँ. इसका मैं बता देता हूँ, इसका डिजिटल मीटर बहुत सुंदर है. किलोमीटर्स वाइज भी आप देख सकते हैं, सुंदर बनाया हुआ है. 1000 किलोमीटर्स चला हुआ है, 510 ट्रिप मीटर है. फिर 1000 किलोमीटर के ऊपर की बाइक की एक्सपीरियंस दे रहा था मैं. नया नया व्हीकल चला के आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जितना आपको यूज्ड व्हीकल चला के एक्सपीरियंस देने में आराम रहता है. तो मीटर वाइज आई वो सजेस्ट कि मीटर बहुत सुंदर बनाया है इसका. पिकअप देख लेते हैं. ओके सो ये वन वे है. नहीं, कॉम्बी ब्रेकिंग है. इसमें भी इनिशियल पिकअप में अच्छा नहीं लगा मेरे को, मज़ा नहीं आया है. फिर से देखता हूँ एक बार. ये रोड पे तो और थोड़ा पता चल जाएगा. ओके ओके ऑन रोड. बैंगलोर का प्राइस पड़ रहा है मेरे को 80,000 चेंज. तो 80,000 इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना पड़ेगा इस व्हीकल पे, क्योंकि जैसे मैं चला रहा हूँ चेक कर रहा हूँ मेरे को सच में मतलब इतना ज़्यादा वो फील नहीं आ रहा है. मे बी बर्गमैन का अभी तक हैंगओवर नहीं उतरा, क्योंकि बर्गमैन की जो क्वालिटी थी गाड़ी की, मतलब बर्गमैन की जो पावर है सब कुछ है बहुत बेटर है. इवन वो भी 125 सीसी सेगमेंट की व्हीकल है, तो आई एक्सपेक्टेड कि ये भी थोड़ा बेटर होगा, पर नहीं, मज़ा नहीं आया इसमें. मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखने जाता हूँ. सो गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, इसके यहाँ पे 3 लाइट चल रही है, आप देख रहे होंगे, आपको दिखेगा थोड़ा दूर में. इट्स ओके, टेक योर टाइम. या आई गॉट द प्लेस. कर्विंग वगैरह में इट्स ओके, गुड, नॉट बैड. दिस पावर मेरे को पसंद नहीं आया. पावर के लिए आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट. रेस्ट लुक वाइज मेरे को बहुत सुंदर लगा. चल जी कहीं भी आ जाते हैं. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 लाइट जलती है वो सब इकोनॉमी की लाइट्स हैं. टर्निंग भी अच्छा लगा, टर्निंग में भी मज़ा आया मेरे को. लाइट वाला चीज़ थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, थोड़े दिन के लिए आई कैची है, पर फिर आपको बाद में अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगी वो लाइट्स. बेस्ट हाई बीम लो बीम इंडिकेटर लाइट्स के, इंडिकेटर के अलग अलग सेगमेंट है, लेफ्ट में चलेगा राइट में चलेगा, राइट में चलेगा, तो ये चीज़ अच्छा है. और उसके अलावा कोई स्विच नहीं दिया है. होंडा का इंजन आपको भी पता है बहुत सही रहता है, लॉन्गिविटी अच्छी है, लुक वाइज सुंदर बनाया है, पर पावर क्यों नहीं है समझ में नहीं आ रहा. 125 सीसी होते हुए एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट लिटिल बिट मोर पावर, पर पावर नहीं मिल रहा है, सो आई एम नॉट दैट हैप्पी. सो गाइस मीट माय ब्रदर उत्कर्ष, बचपन से दोस्त है मेरा. तो बात करते हैं अभी, डायरेक्टली बात करते हैं टॉपिक के ऊपर क्या था. तो ग्राजिया का दोनों ने टेस्ट राइड लिया, तो भाई तेरा क्या कहना है ग्राजिया के ऊपर. एज यूजुअल होंडा ने फिर से डिसअपॉइंट किया हमें. ग्राजिया का 125 सीसी क्लेम करते हैं बट उतना पावर है नहीं.
पॉइंट इनिशियल पिकअप भी नहीं है और मजा भी नहीं है, वो फील नहीं है 125cc वाला। एंड हाँ, पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कैसा था, मतलब डिसअपॉइंटमेंट ये था क्योंकि आई फेल डीओ इज मच बेटर। डीओ 110cc में बहुत अच्छा पावर है एंड जो उसका इनिशियल पिकअप डीओ इज मच बेटर। डीओ चलाते हुए बहुत टाइम हो गया तो आई वॉज लाइक क्यों ना नया जो व्हीकल है उसके लिए ट्राई करे। भाई ने भी वही सजेस्ट किया था कि नया व्हीकल ट्राई कर। हाँ, इवन जो 125cc में जो उसके कॉम्पिटिटर्स है, बर्गमैन पकड़ लो या एंटर पकड़ लो या एक्सेस 125 पकड़ लो, एक्जेक्टली सबसे ओल्ड और गोल्ड है वो। इवन 125 आपका एक्टिवा भी उससे ज़्यादा पावरफुल लगा मेरे को, मेरे को मज़ा नहीं आया। या तो इस व्हीकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, पर हाँ हमें मज़ा नहीं आया। इनिशियल पिकअप था ही नहीं इन शॉर्ट। हाँ दैट्स ट्रू। सो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये अब आपको वीडियोस में दिखता रहेगा। बहुत सारे वीडियोस में आप पहले भी देखोगे आया होगा, अगर आप नहीं देखे तो आप देखो आई लिंक में आ रहा होगा। इसी ने मेरे को मदद किया था माउंट लगाने में। तो यही था इस वीडियो में, सी यू देन, साइनिंग ऑफ आकू व्लॉग्स, बाय बाय टाटा, टेक केयर, बाय।